हाय परी हूँ मैं एंड दिस इज़ रेडियो नशा प्लेबैक एंड विथ मी टुडे अभिषेक बनर्जी हाय अभिषेक हाय परी हाउ आर यू गुड हाउ आर यू आई एम कोर्ट यू लुक टाइर्ड डू आई ओके आई आई बिन एक्चुअली डूइंग अ लॉट ऑफ इंटरव्यूज सिंसेस्टर डे आई नो और मैं जब से फिल्म रिलीज़ हुई है तब

और hmm. तो चार साल लगे फाइनली टू तो बीट पाताल लोक रश सो या आई मीन टाइम लगता है दैट्स व्हाट आई एम रियलाइजिंग सो दिस इज प्लेबैक एंड आई एम कांस्टेंटली गोइंग टू टेक यू बैक इन टाइम बीच बीच में ओके बट ऑब्वियसली आई वांट टू बिगिन बाय कांग्रेचुलेटिंग यू फॉर 3 2 थैंक यू

और आपके मुंह पे एक तो मैं या। या। बचपन में था वैसा, हाँ, वैसा। क्या या बिल्कुल या, मतलब लगती थी आपकी भी बहुत बहुत ज्यादा <laughs> मैं, मैं जब दिल्ली गया मैं बंगाली था बंगाली बच्चा मंकी कैप पहनने वाला फिर मैं साउथ इंडियन में साउथ इंडिया में मैंने पढ़ाई की चेन्नई में फिर उसके बाद जब मैं दिल्ली गया तो मेरे साथ ऐसा बहुत होता बड़ा मासूम सा बच्चा था Hmm. तो फिर जाके दिल्ली में स्ट्रीट स्मार्ट हो जाता है आई लव हाउ जना इज सो इनोसेंट जो आप कह रहे yeah, थे मासूमियत जो है एंड द लिटिल थिंग्स दैट यू डिड आई थिंक अभिषेक मतलब वो एक छोटी सी चीज की मुंह थोड़ा खुला रखना है ना मतलब आई नोटिसड इट वाज दैट कॉन्शियसली डन है ना सो uh, so, मतलब ये जो मैं नॉर्मल में ऐसे बात करता हूं बट जना रिकलाइज हां

प्ले थिएटर जो भी है वो सब शुरू हुआ था चार्ली चैपलिन उस कैरेक्टर में कि आपको ऐसा ना लगे कि कोई कॉमेडी करने के लिए कर रहा है वो बड़ा डिफिकल्ट होता है बिकॉज देन यू हैोल अपनी आत्मा की जो है ना थोड़ी सी क्लेंजिंग करने की जरूरत पड़ती वरना वो होता नहीं क्योंकि अगर आप थोड़े से भी करप्ट हो गए ना अगर आप थोड़ा सा भी ये सोचोगे ना कि मैं इस दिन में थोड़ा ज्यादा कर देता हूँ या मैं पंच मार देता हूँ या होता नहीं, नो है ना एक्टर्स बोलते हैं खा जाऊंगा और ये सब चीज अगर एक बार भी आ गई तो देन वो नहीं हो पाएगा क्योंकि फिर वो ऑनेस्टी जो आपकी मर जाएगी वो स्क्रीन पर दिखने लगेगी देन ऑडियंस विल नॉट बीबल टू कनेक्ट मतलब हम लोग जब थिएटर वेटर करते थे रेबल थिएटर आर्टिस्ट थे एंड टू टॉक अबाउट हिंदी सिनेमा और देखते थे और लगता था कि अरे यार यहाँ थोड़ा ज्यादा हो रहा है

वेरी बेसिक लाइन चल कॉफी पीते चलो ना कॉफी पीते बेसिक लाइन है वो बट वो फनी है क्योंकि आपको कॉन्टेक्स्ट पता है करेक्ट कि दैट मींस द कैरेक्टर इज ट्राइंग टू मर्डर हिम तो यू नो कॉन्टेक्चुअल ह्यूमर ना वो बड़ा मुझे स्पेशल लगता है राइट तो या आई मीन तो फिर उसी को करने के लिए इतने साल से ट्रेनिंग ली है कि यार कहीं ऐसा लगे ना कि हम कॉमेडी कर रहे हैं आप उसको जी रहे हो और असल जिंदगी में यही होता है hmm. कोई मान लो यार बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल दूंगा कोई चेयर पे बैठने वाला है और किसी ने पीछे से चेयर खींच दी Hmm. अब बंदा गिरा अब जब बंदा गिरा वो तो कॉमेडी नहीं कर रहा हाँ, उसको, उसको तो दर्द हुआ दर्द हुआ उसको दर्द तो जोर से चिल्लाया आ बाकी लोग हंस रहे हैं hmm. बाकी लोग सब हंस रहे हैं कि देखो गिर गया गिर गया गिर गया और थोड़ी देर बाद वो भी बंदा हो सकता है वो बंदा खड़ा होकर गुस्सा करे कि hmm. कौन था कौन था वो जनवर गुस्सा है लेकिन बाकी लोगों को हंसी आ रही है सिचुएशनल और कॉन्टेक्चुअल ह्यूमर You imitated Akshay Kumar and I think he's amazing at comedy. <laughs> <laughs> <laughs>

वो फिल्म देखी है आपने कैसे भूल सकते हैं अनिल कपूर ही सटल कॉमेडी वेलकम उनका जो था ना अजनो भाई यू कैन इट्स नॉट इजी टू डू दैट यू नो टू बिहेव एज कैरेक्टर नाना पाटेकर

डायलॉग uh, जो मैंने बोला पंकज भाई को जब वो बोलते हैं कि अरे मैं बूढ़ा हो गया बोलता नहीं बूढ़े नहीं आप अटल हो <laughs> <laughs> या पता है मुझे ना वो जोक एक मिनट बाद समझ आया आफ्टर मिनट आई लाइक अच्छा इसलिए हाँ। बिकॉज़ तो स्क्रिप्ट में भी फनी था यार हाँ। अटल वाला लाइन ना मैं भूल गया था तो जब yeah. खत्म हुआ ना फर्स्ट टाइम मैंने मैं राजकुल राज राज तूने क्या लाइन बोली कहता मैं मैंने नहीं बोली तूने बोली है hmm. तो मैं मैंने कहा मैंने बोली कहता हाँ मैंने बोली अरे आई नीड अ रेज मैन बिकॉज आई डेंट रियलाइज दट वुमन इम्प्रोवाइज किया था वो उस टाइम हुआ था एंड यू गॉट So that's what being in the moment, being in the situation yeah. means. Tell me a film hmm. that you go back to. जब आपको हंसने का मन करता है. When you just want to laugh, is there a film that you watch, rewatch? Oh yeah, I mean there are many. Yeah, I think I, I think I go. I'll watch Hera Fairy. अगेन अक्षय कुमार इज माय फर्स्ट वाली या फिर हेरा फेरी हेरा फेरी फर्स्ट फर्स्ट वाली, वाली।, वाली। मुझे सेकंड वाली भी अच्छा लगता है जिसमें तोतला था आई लाइक तोतला बोल रहा है दैट अगेन वेरी डिफिकल्ट टू पुल ऑफ लाइक यू नो गैंगस्टर यू बिल्ड अप अ गैंगस्टर लाइक अल्ले मैं तैला हूं तोते सो यू सडनली हैव यू तो यार गैंगस्टर होना चाहिए एंड सडनली एवरीबॉडी इज तोतलाइंग अराउंड हिम एनीवे बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक गरम मसाला दैट आई माय दैट्स आई थिंक दैट इज वन फिल्म अक्षय कुमार

Hmm. उन्होंने गाड़ी बना दिया। yeah. I mean, यार बेस्ट सीन्स इन कॉमेडी एंड बेस्ट परफॉर्मेंस टू गुड आई आल्सो लव दिस यूनिवर्स जो बन चुका है जो फिल्में थी ऐसी भूल भूल सो आई थिंक माई मेमोरी ऑफ मी वॉचिंगरर कॉमेडी फॉर दस्ट राइट

कैसा लग रहा है इतना इम्पोर्टेंट बन के बहुत अच्छा लग रहा है बहुत सारे पैसा आएगा आएगी और क्या चाहिए अच्छा इस यूनिवर्स में हाँ. आ, ऐसा कोई एक्टर है जो आप एड करना चाहोगे कास्ट करना चाहोगे अक्षय कुमार को तुमने करी लिया है सबने देखा है तो आई थिंक उससे ज्यादा क्या हो सकता है

yeah she'll be a very interesting addition to this entire world yeah or universe. maybe she can come back as the three I don't yeah, know Yeah, I don't know I don't know yeah. what she can do but whatever she will bring to the table will be very good I think I think she's a fantastic actor I yeah know, and she has amazing comic timing and she's amazing like with everything she does so I mean yeah if she comes on board for something maybe in some universe that would be amazing yeah okay since you were सली हैव सो मच नॉलेज अबाउट व्हाट इज गुड कास्टिंग वॉट इज बैड कास्टिंग मुझे एक फिल्म बताओ फ्राम सेवेंटीज एटीज नाइन्टीज यू कैन ऑल्सो टच अर्ली टू थाउजें दैट यू थिंक वर्कड बिकॉज ऑफ गुड कास्टिंग जिसकी कास्टिंग इतनी तगड़ी थी कि शायद फिल्म का प्लॉट उतना स्ट्रांग नहीं रहा होगा लेकिन फिल्म चली एंड एवरी कैरेक्टर वॉज परफेक्टली सूटेड और एक्टर वॉज परफेक्टली सूटेड I think Welcome was a very well cast film. Hmm. Very well cast film. I think Anil Kapoor, Nana Patekar, Akshay Kumar, I can't think of anybody but them. Yeah. You know, I think that, and Paresh Rahul. So I think that was a very well cast film. Apart from that, I don't know. I'll have to go back probably. Or, I see the whole film. Ensemble cast, Like what's your favorite ensemble so cast strong. film so of strong. all time?

Satte pe satta I love that film yeah that was a great casting again like you know everybody was you know perfect in their characters so yeah i mean that's also one film yeah uh achha, what can go wrong amar for? akbar anthony amar akbar anthony again yes manmohan desai yes yeah. achha, what can go wrong hmm. if the casting is not right

क्या यही पब्लिक जो बोल रही है वो कल्चर के पार्ट है वुड हैव देन एक्चुअली गॉन एंड वॉच द फिल्म अगर जाते तो फिर वो लापता लेडीज भी जाके देखते ना ना hmm. लेकिन वो नहीं देखते हैं लापता लेडीज क्योंकि उनको लगता है कौन है हम तो नहीं जानते इनको और फिर जब वो टी वी पर आती है तो धन्य लगे दिस इज द बेस्ट फिल्म तो वो भी तो होता है सो आई थिंक बट नाउ आई फील धीरे धीरे वो चेंज आ रहा है hmm. अब शायद अगर मैरी कॉम बनती और किसी

ऐसी बहुत सारी उनकी फिल्म मैंने देखता मैं देखता था और फिर मेरे पिताजी माताजी को लगा की यार ये तो मतलब सिर्फ यही देख रहा है भाषा भी ये बोल रहा है कैसे करेगा बाहर हिंदी

<laughs> Did you 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 know know these people? I knew him. You know who he is 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 Mummy, Chichora. Oh my batchmate. And 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 here you are again. Yeah, yeah, this is me and this me Shubham. He wrote co-directed a film called e oh, wow. So yeah. ye, ye ye sabha, circuit बिल्कुल, बिल्कुल. बिल्कुल. इसमें चंदन रॉय सानियाल भी है <laughs> <laughs> and this is where you come now. Which is... What were you trying to do here? Just, में आपने बोला, मेरा भगत मुझे ओ माय गॉड एंड दैट स्माइल दैट यू गिव एट द एंड या हाउ वाज दिस फील लाइक फॉर यू आई मीन मतलब पहला ये शायद पहला काम था ऑन स्क्रीन वर्क पहला था आपका है ना ये दिस वाज 2006 या व्हाट अ फिल्म दिस वाज आज भी मैं ये फिल्म देखती हूं एंड द एंडिंग जस्ट मेक्स मी शुवा या या आई थिंक या मेरा डेब्यू रंग दे बसंती था और क्या हो सकता है या

हम लोग टाइम ले समय ले और कोई जल्दबाजी ना करें hmm. अच्छे से पहले उसको पेपर पे उतारे उसके बाद हम लोग in... मतलब एस... एक... अच्छा लास्टली आप बताओ कि एक ऐसी चीज जो आप चाहते हो जना के साथ ना हो और एक ऐसी चीज जो हो यार कुछ भी कर लो उसके साथ उसके पीछे कोई तो भूत पिशाच चुड़ैल पड़ेगा ये <laughs> तो <laughs> मुझे पता है कि अब कुछ नहीं हो सकता के छोड़ देता है You know, लेकर नहीं जाता <laughs> तो मुझे समझ में आ गया कि इसके कुछ नहीं हो सकता अब इसके साथ ये चलता रहेगा मतलब पता नहीं क्या पर कुछ जो ना हो यार अकेले छोड़ के मत भागो यार विक्की और बिट्टू को बोलूंगा तो hmm. तो साथ में रहो थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू मी टूडे थैंक यू परी थैंक